नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। आज हम सीखेंगे राग भैरवी। जी हाँ, लाखों गीतों और भजनों वाला ये प्यारा सा राग भैरवी, क्योंकि आपने काफ़ी गुणीजनों के मुंह से सुना होगा कि जो लाइट म्यूजिक है हमारा, उस लाइट म्यूजिक में या जो फिल्मी संगीत है उस फिल्मी संगीत में राग भैरवी फिल्मी गानों में और भजनों में और गजलों में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। बाकी सभी रागों से अगर तुलना करें तो राग भैरवी उनसे काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है। तो आज हम राग भैरवी को थोड़ा सा डिटेल समझेंगे और राग भैरवी का एक बहुत प्यारा सरगम गीत सीखेंगे, ठीक है। और नोटेशन भी आपको मिलेगा सरगम गीत का, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते रहेंगे आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे म्यूजिकल ट्यूटोरियल। जी हाँ, आइएगा समझते हैं। देखिएगा, स्केल हमने रखा है पहला काला, बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये हमारा सा है, इसमें सबसे पहले स्वर समझ लीजिए। इसका जो स्वरों का जो रूप है वो ये है कि रे, गा, धा और नी, ये चारों स्वर इसमें कोमल प्रयोग होते हैं, यानी कि चारों स्वर कोमल हैं। रे आपका कोमल है, गा आपका कोमल है, धा आपका कोमल है और नी आपका कोमल है, ठीक है। अगर स्वरों के नियम के हिसाब से बात करें तो ये चारों स्वर कोमल हैं, मा शुद्ध है, सा और पा, ठीक है। लेकिन अगर इसके स्वरूप की बात करें तो जो इसका स्वरूप है उसमें बाकी सभी स्वर भी यूज कर लिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर कि उसकी संगीत साधना कितनी है और उसने राग भैरवी को किस तरह से सीखा है, क्योंकि ये अपने सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि राग भैरवी में जो एक्स्ट्रा स्वर यूज होते हैं कौन किस तरह से यूज करता है, ये अपने अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइएगा सीखेंगे राग भैरवी का। सबसे पहले हम देखेंगे आरोह अवरोह पकड़। सा रे गा पा धा नी सा सा फ्रेंड्स, ये इसका आरोह है। अब देखिएगा इसका जो इसकी पकड़ है, मा फिर से देख लीजिएगा, मा गा रे गा सा रे सा धा नी सा, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आरोह अवरोह और पकड़ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं सरगम गीत। सरगम गीत जो है इसका वो 16 मात्रा में है और 9वीं मात्रा से शुरू है, यानी कि खाली से शुरू है, ठीक है। अब देखिएगा, नी सा ग मा पा धा पा मा ग मा धा पा ग मा रे सा, फर्स्ट लाइन नी सा ग मा पा धा पा मा ग मा धा पा नी सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा, सेकंड लाइन है पा धा नी सा धा नी धा पा मा धा पा मा रे गा रे सा पा धा नी सा धा
पा मा धा पा मा रे गा रे सा नि सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा नि सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हुआ स्थाई सरगम गीत का। अब देखिएगा इसका अंतरा। अब जो इसका अंतरा है सा गा मा धा नी धा पा मा गा रे सा रे सा धा पा, ये पहली लाइन है। और थोड़ा स्लो में देख लीजिएगा सा लास्ट लाइन में शुद्ध धा भी यूज हुआ है और शुद्ध रे भी यूज हुआ है। ठीक है, देखिएगा सा नी धा नी धा मा पा गा मा गा रे गा सा रे सा नी धा नी धा मा पा गा मा गा रे गा सा रे सा। ये दो लाइन का अंतरा है। अब एक बार मैं आपको इसको पूरा एक बार एक फ्लो में गा करके दिखाता हूं, देखिएगा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा पा धा नी सा धा नी धा पा मा धा पा मा रे गा रे सा पा धा नी सा धा नी धा पा मा धा पा मा रे गा रे सा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा सा गा मा धा नी धा पा मा गा रे सा रे सा धा पा सा नी धा नी धा मा पा गा मा गा रे गा सा रे सा सा नी धा नी धा मा पा गा मा गा रे गा सा रे सा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा रे सा गा मा पा धा पा मा रे सा गा मा पा धा पा मा रे सा गा मा पा धा पा मा गा मा धा पा गा मा रे सा। इस तरह से आप इस सरगम गीत को अच्छे से बजा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए प्रैक्टिस। बेस्ट ऑफ लक सभी को। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।